बेंगलोर पड़ा दिल्ली पर भारी, अब है एलिमिनेटर में कोलकाता की बारी। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों, IPL 2021 का आखिरी लीग मैच खेला गया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, और क्या शानदार मैच देखने को मिला। आरसीबी की तरफ से श्रीकर भरत ने दिलाई आखिरी गेंद पर छक्का मारकर टीम को जीत, और इस वीडियो में हम पूरा मैच के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, एंड तक जरूर से देखते रहिएगा। दोस्तों, टॉस जीता था आरसीबी कप्तान विराट कोहली ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, यानी कि टॉप टू में जाने का उनके पास मौका था। पहले बल्लेबाजी करके 300 रन बनाकर, लेकिन विराट की अलग सोच थी और विराट ने सोचा होगा कि 300 तो वैसे भी नहीं बनने, तो क्यों ना मैच जीत कर वापस से मोमेंटम हासिल किया जाए, और वैसा यूआई इस मैच में पहले गेंदबाजी का फैसला किया विराट ने। और दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने शानदार शुरुआत करी। इसके बाद दोस्तों, पावर प्ले में दिल्ली कैपिटल्स ने 55 रन बिना किसी नुकसान के बना दिए, और इतना ही नहीं, 10 ओवर के अंत तक उनका स्कोर 88 रन विदाउट लॉस था। फिर आरसीबी गेंदबाजों ने वापसी करी और शिखर धवन को सबसे पहले हर्षल पटेल ने चलता किया। धवन ने यहाँ पर 43 रन बनाए, और उसके बाद शॉ खतरनाक मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, 12वें ओवर में युजी चहल ने उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया और शॉ ने 48 रन बनाए। लेकिन दोस्तों, उसके बाद आरसीबी के गेंदबाजों ने दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों को पकड़ लिया और फिर उनको रन बनाने ही नहीं दिए। टाइट ओवर्स डाले जहाँ पर दोस्तों पंत ने 10 रन बनाए और डैन क्रिश्चियन का शिकार बन गए। इसके अलावा श्रेयस अय्यर ने 18 रन बनाए और सिराज का शिकार बन गए, और हेटमायर ने 29 रन बनाए और सिराज का शिकार बन गए। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो आखिर के 5 ओवर में दिल्ली ने केवल 36 रन बनाए, और उसका काफी हद तक श्रेय जो है ना वो देना होगा मोहम्मद सिराज और हर्षल पटेल की गेंदबाजी को। इसके अलावा जॉर्ज गार्टन ने भी इस मैच में शानदार गेंदबाजी करी, 3 ओवर में केवल 20 रन दिए, हालांकि विकेट नहीं मिला, लेकिन गेंदबाजी काफ़ी शानदार करी। सिराज के नाम पर इस मैच में 2 विकेट दिए और वो भी काफ़ी किफ़ायती साबित हो, 4 ओवर में केवल 25 रन और 2 इंपॉर्टेंट विकेट। इसके बाद चहल थोड़े से महंगे हुए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट विकेट उनको भी मिला, खतरनाक दिखाई दे रहे शॉ को उन्होंने चलता किया। इसके बाद हर्षल को 1 विकेट मिला, और इस 1 विकेट के साथ में उनके 30 विकेट हो चुके हैं इस वीवो IPL 2021 में, और वो इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं, क्योंकि 32 विकेट लेने का रिकॉर्ड है यहाँ पर ब्रावो के नाम पर, और उस रिकॉर्ड को ये तोड़ सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों, इसके बाद में बात करें तो यहाँ पर हर्षल को 1 विकेट मिला, और इसके बाद ये आरसीबी की कहानी रही है कि पावर प्ले में ये पिटाई खाते हैं, 50 से 55 रन इनको पड़ते हैं, लेकिन फिर ये बाद में अच्छी खासी वापसी भी कर लेते हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी के सामने 165 रन का टारगेट जो है वो दिया 20 ओवर में, और दोस्तों उतना आसान भी टारगेट नहीं था, क्योंकि दिल्ली की गेंदबाजी काफ़ी शानदार थी, और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल दिया एनरिक नोकिया ने, जिन्होंने पहले ओवर में पार्टिकल और तीसरे ओवर में विराट कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, और ऐसा लग रहा था कि आरसीबी मैच हार जाएगी, लेकिन फिर इस मैच में एबी डिविलियर्स को प्रमोट किया गया। जैसे कि हमने सुबह बताया था आपको वीडियो में कि एबी डिविलियर्स इस मैच में जल्दी खेलते हुए नजर आएंगे, तो हमने 3 नंबर पर बताया था, लेकिन 3 पर तो नहीं, लेकिन एबी को नंबर 4 पर भेजा गया था, और यहाँ पर दोस्तों फिर मैच में एबीडी को प्रमोट किया गया। और उसके बाद आज के मैच के जो हीरो है ना वो उनके साथ में थे, श्रीकर भरत, जिन्होंने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करी एबीडी के साथ में मिलकर, दोनों ने पार्टनरशिप बनाई और 9.3 ओवर तक दोनों ने कमान जो है वो संभाली, लेकिन फिर एबीडी 26 गेंदों में 26 रन बनाए और फिर एक बार फिर से सुपरमैन जो है ना वो अक्षर पटेल का शिकार बन गया। लेकिन आरसीबी ने एक चीज़ अच्छी करी है, एबीडी को नंबर 4 पर भेजकर, और मैं एबीडी को केकेआर के खिलाफ भी जब एलिमिनेटर होगा उसमें भी नंबर 4 पर ही देखना चाहूंगा, क्योंकि मैक्सी फॉर्म में है और 5 नंबर पर उन्होंने आज अच्छी बल्लेबाजी करी, तो 5 नंबर पर वो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से शारजा के जो मैदान होगा ना वो वहां पर स्लो विकेट है और छोटा मैदान है, तो यहां पर दोस्तों एबीडी की क्लास जो है ना वो उस मैदान पर काम में आ सकती है। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर एबीडी के आउट होने के बाद फिर से टीम मुश्किल में फंस चुकी थी, और टीम को जरूरत थी कि पारी को संभाला जाए, और दोस्तों वही काम किया एक बार फिर से ग्लेन मैक्सवेल, और इस बार उनका साथ दिया श्रीकर भरत ने। यार व्हाट अ प्लेयर, भरत ने केवल 52 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 78 रन जड़ दी, और मैक्सी ने एक बार फिर से 50 जड़ दी, और ये इस सीजन की उनकी छठी 50 है। मैक्सी ने 8 चौके जड़े और 33 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली, लेकिन दोस्तों मज़ा तो आखिरी ओवर में आया, क्योंकि 18 ओवर के बाद आरसीबी को जीत के लिए 2 ओवर
ओवर में केवल 19 रन चाहिए थे और वहां पर लग रहा था कि आरसीबी आसानी से मैच जीत जाएगी, लेकिन फिर नॉर्किया ने ओवर डाला और उस ओवर में केवल 4 रन दिए और इस हिसाब से आखिरी ओवर में फिर यहां पर 15 रन चाहिए थे जीतने के लिए और ऐसा लग रहा था कि आरसीबी हाथों से ये मैच तो गया, लेकिन फिर आवेश खान आए आखिरी ओवर लेकर और दोस्तों पहली गेंद पर मैक्सी ने उनको चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर लेग बाई का 1 रन ले लिया। इसके बाद दोस्तों 3 गेंदों में चाहिए थे 8 रन और स्ट्राइक पर थे श्रीकर भरत। दोस्तों चौथी गेंद डॉट गेंद हो गई और उसके बाद अब आरसीबी को चाहिए थे 2 गेंदों में 8 रन और यहां पर जरूरत थी एक बाउंड्री की, चौका या छक्का इस गेंद पर चाहिए था, लेकिन फिर भरत ने पांचवीं बॉल पर मैक्सवेल को स्ट्राइक देनी चाहिए क्योंकि स्ट्राइक देकर अगर लास्ट बॉल पर मैक्सी छक्का भी जड़ देते तो फिर ये मैच जो है ना वो सुपर ओवर में चला जाता, लेकिन मैक्सवेल ने उसको डबल रन लिया और उसके बाद श्रीकर भरत को ही मैच फिनिश करने का दारोमदार सौंपा। तो यहां पर अब एक गेंद में 6 रन चाहिए थे यानी कि छक्के से मैच को खत्म करना चाहिए था, लेकिन दोस्तों यहां पर आवेश खान ने एक वाइड गेंद डाली और उसके बाद एक गेंद में जो है ना वो 5 रन चाहिए थे और ऐसे में आखिरी गेंद आवेश खान ने फुल टॉस डाली और उस पर श्रीकर भरत ने जड़ दिया एक आसमानी गगनचुंबी छक्का और इस छक्के के साथ में श्रीकर भरत बन गए इस मैच में जीत के हीरो। दोस्तों यहां पर आरसीबी का सामना अब होगा एलिमिनेटर में कोलकाता नाइट राइडर्स से जो कि काफी अच्छी खेल रही है, इनके लिए इस मैच के लिए भी हम गेम प्लान स्ट्रेटजी प्लेइंग 11 सब कुछ आपको बताने वाले हैं, तो दोस्तों जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें। धन्यवाद।